जब मोहब्बत की दुकान खोलकर ही बैठे हैं तो सबको मोहब्बत बांटना ही पड़ेगा। ऐसा ही हम कह सकते हैं जब हमारे यहाँ के राजकुमार जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, लंदन गए और वहाँ से सब पर मोहब्बत बरसा रहे हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक एक कॉमन थ्रेड को लिंक करने की कोशिश है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये दोनों नेहरू जी और राहुल गांधी जी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में साम्यता जरूर रहेगी और वही साम्यता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में। दोनों का प्यार और दोनों का विचार एक ही है, मतलब राहुल गांधी और हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, और वो प्यार चाइना से प्यार, इसीलिए लाल रंग से बहुत प्यार है उनको। आज मेरा ड्रेस भी लाल है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी चाइना से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे जो विचार है उसको प्रकट करने जा रही हूँ। साम्यता क्या है? नेहरू और राहुल गांधी एक ही बात कर रहे हैं। रिसेंटली राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो उनका जो प्यार है चाइना के लिए वो दर्शाता है। उन्होंने कहा कि चाइना एक ऐसा कंट्री है, सद्भावना, हार्मोनियस कंट्री है, वो शांति के लिए प्रयास करता है। अब यही बात हम आपको भी पूछना चाहेंगे, क्या सही में चाइना शांति का प्रयास करता है? अब बात करेंगे नेहरू जी की। क्या राहुल गांधी कभी ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि 1962 का जो वॉर था उसके पहले के जो सिचुएशंस थे वो कैसे थे और क्यों युद्ध हुआ? अगर इसके बारे में हम पढ़ते हैं तो क्या चीजें सामने आती है? 1962 के युद्ध के बाद नेहरू जी ने संसद में एक बयान दिया था, बहुत ही प्रसिद्ध बयान है कि अक्साई चीन में तिनके के बराबर भी घास नहीं उगती है, वह एक बंजर जमीन है। इस उत्तर को प्रत्युत्तर दिया था महावीर त्यागी जी ने। उन्होंने अपना सर दिखाया और बताया, कहा कि यहाँ भी एक भी बाल उगता नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या मैं भी इसे कटवा दूं या फिर किसी और को दे दूं? उस समय नेहरू जी चाइना को लेकर बहुत ही आश्वस्त थे, या उनको ये विश्वास था कि चाइना कभी भी भारत के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। बहुत लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की लेकिन नेहरू जी ने कभी उनकी बात सुनी नहीं। उल्टा ये था कि यूनाइटेड नेशंस में कम्युनिस्ट चाइना की जगह पक्का करने में नेहरू जी जुटे रहे और इस बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि भारत और चाइना का जो सीमावाद था, जो सीमा प्रश्न है, उसको सुलझाया जाए। ये दर्शाता है कि नेहरू जी चाइना के ऊपर अंधा विश्वास करते थे। ये मैं नहीं, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च किया और बहुत सारी किताबें लिखी हुई है। उसमें से एक किताब है नेहरू टिबेट एंड चाइना, इसके लेखक है भसीन। उन्होंने कहा कि नेहरू जी को लगता था कि सीमा रेखा को लेकर चाइना से बात करना और उसका कोई नतीजा निकले ऐसी अपेक्षा करना बिल्कुल सही नहीं है। मतलब ये हुआ कि नेहरू ने किसी की भी बात नहीं मानी और वो ये विश्वास करते रहे कि चाइना कभी भी धोखा नहीं देगा। सरदार पटेल ने चीन को लेकर नेहरू जी को सावधान किया था लेकिन नेहरू ने पटेल की बात नहीं मानी। पटेल ने 7 नवंबर 1950 को नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने नेहरू से कहा था कि चीन शांति की बात करके हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है, वो हमारे राजदूत के मन में झूठा भरोसा बैठाता रहा है कि तिब्बत मामले का शांतिपूर्ण समाधान होगा। मेरे हिसाब से चीन की हरकतें विश्वासघात करने से कम नहीं है।
तो मोहब्बत की दुकानदार जो है उनको हम ये पूछना चाहेंगे कि 1962 का जो वॉर है, जो युद्ध है, उसकी याद क्यों नहीं आई आपको, जब आप विदेश में जाकर ये कह रहे थे कि चाइना एक सद्भावनापूर्ण देश है। 1962 के वॉर में 3,000 से ज़्यादा, मोर देन 3,000 इंडियन सोल्जर्स को हमने गवा दिया था। इतना ही नहीं, 43,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो एरिया उन्होंने कैप्चर कर ली। उसके बाद भी अगर हमारे मोहब्बत की दुकानदार वाले जो है वो ये बोलते हैं कि चाइना एक शांति के प्रति काम करने वाला देश है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको किससे प्यार है, चाइना से या भारत से? हमारा यही सवाल है। आपने मतलब आपने इसके बारे में नहीं सोचा। इसके साथ साथ नेहरू जी को भी कितनी बार सरदार पटेल ने वार्निंग दी थी कि चाइना के लिए सोचो, चाइना हमारा मित्र देश कभी नहीं बन सकता, लेकिन ये बात भी उन्होंने नहीं मानी। तो इसीलिए आज ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों का विचार एक है, दोनों का प्यार एक है, और उसके नतीजे हम भुगत चुके हैं, फिर भी हमारे यहाँ के राजकुमार जो है वो ये बात कह रहे हैं। तो ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि DNA तो एक है। तो आज का सवाल सबसे यार राजकुमार जी से यही है कि क्या सही में आपको लगता है कि वो शांतिप्रिय देश है? गलवान घाटी की जो घटना है वो क्या दर्शाती है, या फिर बाकी के देशों के साथ चाइना के जो संबंध है, विस्तारवादी जो उसका रुख है, वो क्या दर्शाता है? फिर भी आपको यही लगता है? तो अगर आपको सही में कुछ लगता है तो मेरे जो कमेंट बॉक्स है चैनल का, उसके ऊपर ज़रूर कमेंट करिए, सपोर्ट करिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।